राजधानी रायपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की गुंडागर्दी को उजागर कर दिया। कोतवाली थाने की पुलिस किसी को पकड़ने पुलिस प्रताड़ना के शिकार हुए आगाज हुसैन के घर के समीप गई हुई थी। संबंधित को पकड़कर जब पुलिस लेकर आ रही थी तो आगाज हुसैन ने कह दिया कि साहब इसे छोड़ दीजिए, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोतवाली थाने के एक आरक्षक ने आगाज हुसैन को झापड़ मारते हुए पुलिस वाहन में डालकर थाने लाए और पट्टा से बेदम मारपीट कर थाने से भगा दिया। घर पहुंचते ही आगाज हुसैन का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसे अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया गया। मामले की शिकायत एएसपी से करने के बाद भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला है। पीड़ित आगाज हुसैन ने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार बयां की। संडे को 15 तारीख होता है, उसमें दोस्त से लेकर ढाई बजे मैं बाहर निकले से घर से खाना न खा के, तो पुलिस वाला आया सामने वाले के पास, उसको गरीब आदमी के पास खींचते हुए ले जा रहे हैं। मैं उन्हें सर ऐसा मत करो, गरीब आदमी है, आगे पीछे कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे देखते रहते हैं। तो उस हिसाब से इतना सा बोला हूँ, बोलने के बाद मेरे को सीधा गाड़ी में अंदर ढकल दिया। ढकलने के बाद मेन रोड में उठा के ले गया, ले जा रहे हैं। एक पुलिस वाला मेरे को भयंकर मार रहा कान में। मैं बोल रहा हूँ मत मार सर, मेरा शरीर ठीक नहीं है, यही वाला कान में भयंकर मारे। उसके बाद मेन रोड में ले गया पुलिस लाइन का, वहाँ पे क्या किया सर, फिर मेरे को इस तक पकड़ के उंगली को तोड़ रहे हैं। मत तोड़, मेरा उंगली टूट जाएगा। फिर आखिरी में उंगली टूट भी गया, आपको वीडियो करके दिखाता हूँ मैं। उसके बाद थाने में ले गया, थाने के अंदर ले गया, खड़ा करके बेल्ट से बेल्ट मारे, कौन सा बेल्ट पता नहीं है, बेल्ट से बेल्ट मारे, मारने का तो बिठाया। बिठाने पर तो मेरे को नाम बोले है, आता पता बोले है, कहाँ रहते हो सब, मैं सब नाम बोला हूँ। जिसको उठा के लाए सर उसी का पड़ोसी मैं हूँ। मैं इतना सा बोलूँ, मैं तो चोरी चवरी तो नहीं किया हूँ, क्यों मार रहे मेरे को इतना। तो सब बैन वो लिखने के बाद मेरे को छोड़ दिए, तो तू जा, सामने वाला को रख दिया। उतना ही बोलते छोड़ने के बाद मेरा घर आया हूँ, घर आके मैं बोला हूँ दस बजे के आसपास मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो क्या हुआ मेरे को पूछे, बोले मेरे को एक कान में बहुत भयंकर मारे, आप दर्द दे रहे हैं, क्यों मारे मेरे को पता नहीं, मैं इतना सा बोला हूँ। फिर मेरा एक फिर गया था थाने में, थाने जाके बोले मेरा आदमी क्या किया, कौन सा गलती किया है जो उस हिसाब से क्यों मारे, कान में ब्लड निकाल, कान में पूरा खून और खून जम हो गया। होने के बाद वो लोग चलाया, मेरे को घर में आराम किया हूँ। आराम करने के बाद दूसरे दिन में थाने में ले गया था, दूसरे में वो हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एक्सरे सब कराया, कराने के बाद बोले कान का ठीक नहीं है तुम्हारा, और उंगली तुम्हारा टूटा है, इतने तक बोले हैं। बोलने के बाद हम लोग चुपचाप रहे, मेरी परिवार मेरे ऊपर सब कुछ था, जो भी सासू जो भी अपना काम वाम करते मेरा परिवार चलते थे। अब मैं घर में बैठ गया हूँ, हमारे बच्चे लोग आप कहाँ जाएगा, आप एक चीज़ को बोलो क्या कर रहे हैं, अभी बच्चा भूखा पड़े सब पड़े हैं, मैं काम पे जा नहीं पा रहा हूँ, और मेरे को घर से निकाल नहीं दे रहे, तेरे पापा आपको तबियत ठीक नहीं है तो गिर उठ जाएगा, तो क्या करोगे।